हाय दोस्तों, टेक्निकल मेन्यू से फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने HDFC बैंक का नया नया अकाउंट ओपन करवाया है, चाहे आपने ऑफलाइन ओपन करवाया हो चाहे फिर ऑनलाइन, डजेंट मैटर, ठीक है, अगर आप उसका इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करना चाहते हैं, यानी फर्स्ट टाइम आप लॉग इन करना चाहते हैं HDFC नेट बैंकिंग के जरिए, तो आज के इस वीडियो में पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे लाइव दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं नेट बैंकिंग को। इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपके पास यूजर आईडी होना जरूरी है। यूजर आईडी आपको कहाँ पे लिखा होगा, जो आपके पास अगर बैंक में अगर आप जाके ओपन करवाए होंगे तो आपको एक वेलकम किट मिला होगा, वेलकम किट में आपको पासबुक मिला होगा, ठीक है। पासबुक के ऊपर आपको मिल जाएगा यूजर आईडी देखने को, कस्टमर आईडी, ठीक है। अगर आपने ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाया तो जब आपका सक्सेसफुल हो जाता है, जहां पे आपको अकाउंट नंबर मिलता है वहां पे भी आपको कस्टमर आईडी मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए हम यहां पे अपना कस्टमर आईडी एंटर करते हैं, देन उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमसे पासवर्ड मांगा जा रहा है। पासवर्ड तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम एक्टिवेट कर रहे हैं। उसके लिए हमें करना होगा फॉरवर्ड पासवर्ड /IPIN पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपसे वापस से आपको अपना कस्टमर आईडी एंटर करना होगा, देन उसके बाद गो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, उस OTP को डालकर और साथ ही साथ जो आपको डेबिट कार्ड मिला है उस डेबिट कार्ड के डिटेल्स को डाल करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास में जो है, मेरे केस में मेरे पास अभी डेबिट कार्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, ऑथेंटिकेशन विथ वन टाइम पासवर्ड सेंट ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ठीक है। यहाँ पे हमारे को डेबिट कार्ड के साथ मिल रहा था, बट यहाँ पे हमें मोबाइल और ईमेल आईडी पे जो OTP आएगा उस OTP को डाल करके हम जो यहाँ पे अपना पहचान दे सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, देन उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करने को। ईमेल एड्रेस तो ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो कि हाइड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके नीचे देखिए लाइन में बोला जा रहा है प्लीज एंटर द मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद द बैंक, ठीक है। वो नंबर आपको डालना है जो आपने अकाउंट ओपन करवाते समय डाला था, ओके। हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पे दो पासवर्ड का बॉक्स ओपन हो चुका है। एक वाले में आपको डालना है कि जो आपको SMS के जरिए रिसीव हुआ है उस OTP को यहाँ पे फिल करना है, और आपको दूसरा वाला ईमेल पे, जो ईमेल पे आपको OTP मिलना है उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है। चलिए हम दोनों एंटर करते हैं, ओके। हमने यहाँ पे दोनों OTP फिल कर दिया है, चलिए कंटिन्यू पे वापस से क्लिक करते हैं। और यहाँ नेक्स्ट पेज में हमारे को बोला जा रहा है, देखिए न्यू IPIN पासवर्ड, IPIN यानी इंटरनेट पिन, ठीक है, और कंफर्म पिन को करने को बोला जा रहा है, यानी दोनों में हमारे को सेम एक न्यू पासवर्ड जनरेट कर लेना है। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, आप कम से कम 8 कैरेक्टर्स का आपका होना चाहिए, कम से कम 8 लेटर होना चाहिए, जिसमें कुछ आपके नाम से रिलेटेड कुछ हो, ABCD, @ आप लगा सकते हैं, उसके बाद नंबर कुछ डाल सकते हैं 9872, ठीक है, इस तरीके का आपको पासवर्ड बना लेना है। चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड एंटर करते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होगा, देन वापस से आपको फिर से कंफर्म पे क्लिक करना है, ओके। यहाँ पे देखिए कॉर्नर में क्या लिखा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर IPIN हैज बीन सक्सेसफुली रीसेट, वी रिकमेंडेड दैट यू लॉग इन टू इंटरनेट बैंकिंग राइट अवे। यहाँ पे क्लिक करके जो आप नए पासवर्ड के थ्रू आप लॉग इन कर सकते हैं। चलिए एक बार क्लिक करते हैं और वापस यहाँ पे कस्टमर आईडी एंटर करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और अभी अभी जो हमने एक नया इंटरनेट बैंकिंग का जो पासवर्ड जनरेट किया था 8 अंकों का, उस पासवर्ड को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। और जरूरी नहीं कि पासवर्ड आप 8 अंकों का ही रख सकते हैं, 8 से ऊपर आप, ठीक है, रख सकते हैं, मिनिमम आपको 8 रखना है, ओके। पासवर्ड हमने एंटर किया, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, ओके। सो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉग्ड इन सक्सेसफुली हो चुके हैं। यहाँ पे फिलहाल 0 बैलेंस है, बिकॉज क्या है कि मैंने ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाया था, तो अब इसमें बैलेंस डालना होगा, उसके बाद जो है इसके ऊपर बैलेंस शो करेगा। अब हर तरीके की चीज़ आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको इसे एक्टिवेट करना ही होगा, तभी जाकर के आप फंड ओवर को ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा आ रहा है, यू आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर थर्ड पार्टी ट्रांसफर सर्विस, ठीक है। इसलिए जाकर के सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके रजिस्टर करना होगा, जो कि आपको डेबिट कार्ड के डिटेल्स वगैरह आप डाल करके जो यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे कोई भी एक्टिव डेबिट कार्ड नहीं शो हो रहा है, क्योंकि अभी मेरे को एक दिन ही हुए इंटरनेट बैंकिंग ओपन किए हुए, तो जब तक डेबिट कार्ड जनरेट होगा, जब तक आएगा, तब जाकर के मैं अपने इस अकाउंट से जो फाइनली मतलब हर तरीके का ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए अभी जब तक एक्टिवेट फुल्ली नहीं हुआ, तब तक मैं यहाँ से व्यू वगैरह कर सकता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है HDFC नेट बैंकिंग को फर्स्ट टाइम एक्टिवेट
कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी तरह का सवाल या सुझाव हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।